देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। भारत को साधु संतों का देश कहा जाता है क्योंकि साधु संतों की तपस्या यहाँ देखते ही बनती है। एक ऐसा समुदाय जैन समुदाय जिसमें संतों की तपस्या महान तपस्या बताई गई है, वो इसीलिए वो कड़ाके की सर्दी हो, वो तेज धूप की गर्मी हो या वो कोई भी ऐसी व्यवस्था हो जिसमें वो अपने आप को ढाल लेते हैं। आपको बता दूं जैन साधु संतों की तपस्या इतनी कठोर होती है, उनके मोक्ष मार्ग का रास्ता इतना कठिन होता है, उसको तय करना इतना आसान नहीं होता है। आज हम पूरी बात जानेंगे। आज हमारे साथ परम आचार्य विद्यासागर जी के महान संत, जिनको बोलते हैं विद्यासागर जी आचार्य के परम शिष्य आचार्य माधव सागर जी महाराज मेरे साथ विराजमान है। मैं उनसे बात करूंगी और जानूंगी कि कैसी उनकी तपस्या होती है, कैसी उनकी चर्या होती है और वो इतनी कठिन तपस्या का पालन करके मोक्ष मार्ग का रास्ता क्यों चुनते हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं। मेरे साथ माधव सागर जी महाराज है, सीधे बात करते हैं। नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, तपस्या के रास्ते से ही मोक्ष मार्ग का रास्ता चुनना कहाँ तक सही माना जाता है? तपस्या सभी को करना पड़ती है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे साधु हो। तपस्या इच्छाओं के अनुरोध से हुआ करती है। जो व्यक्ति घर में रहकर के भी इच्छाओं का नियंत्रण रखता है वह व्यक्ति तपस्वी कहलाता है। साधु संत लोग विशेष तपस्वी हुआ करते हैं, वो और एक्स्ट्रा इच्छाओं का अनुरोध करते हुए तप करते हैं। इच्छा अनुरोधस्त तपः, इच्छाओं का अनुरोध ही तप है। जो व्यक्ति जितनी इच्छाएं करता है वह व्यक्ति उतना दुखी होता जाता है। आचार्य ने कहा है, इच्छा जाई नियत्ता ताई नियत्ताणी सब दुखाणी। जिसने इच्छाओं को रोक दिया उसने सभी इच्छाओं को रोक दिया। दिगंबर साधु सब प्रकार की अच्छी इच्छाओं को, बुरी इच्छाओं को रोकने का प्रयास करते हैं। न उनको बाहरी कोई आडंबर की इच्छा होती है, ना कोई खाने पीने की इच्छा होती है, ना कोई विशेष रहने की इच्छा होती है। जहाँ भी जैसी परिस्थिति होती है उसी में रह करके अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं। दिगंबर साधु का रूप धारण करना, चूंकि आप वस्त्र नहीं पहनते, कई लोग, कई समाज के लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्यों आखिर जैन मुनि नग्न रहता है, क्या नग्नता से ही भगवान को पाया जा सकता है? कई समाज भी ये सवाल करती है। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि दिगंबर का महत्व क्या होता है और नग्न रहने के ही क्या हम भगवान के मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते? नग्न रहना एक अंतिम चरम भूमिका है। नग्न रहने के पहले ग्रस्त अवस्था में ही सब प्रकार के साधन करना चाहिए, सब प्रकार की तपस्या करना चाहिए। सही दृष्टि, सही ज्ञान और सही चारित्र को पालन करने का प्रयास करना चाहिए। नग्न रहना यह अंतिम स्थिति कहलाती है। जब आदमी पैदा होता है तो नग्न ही जैसा होता है, नग्न ही पैदा होता है। जब मरता है तब भी नग्न जैसा ही हो जाता है, कपड़े की सुध-बुध भूल जाता है। साधु भी अपने ज्ञान ध्यान में, अपनी तपस्या में इतने मस्त रहते हैं, उनको कपड़े का भान ही नहीं रहता है। कपड़ा पहनना कि नहीं पहनना, पहने हैं कि नहीं पहने हैं, ऐसा हम साधु हैं कि क्या हैं, भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि कपड़े ही भूल जाते हैं। भगवान ऋषभदेव का भी श्रीमद् भागवत में नग्न रूप में उल्लेख किया गया है, अवधूत साधु के रूप में। सभी वेद पुराणों में जैन मुनियों को, जैन तीर्थंकरों को नग्न ही कहा गया है। जहाँ वस्त्रधारी भगवान माने जाते हैं श्वेतांबर जैनों में, उनमें भी निर्गंथ दिगंबर मुनियों का वर्णन मिलता है। उन्हीं को जिनकल्पी कहा गया है। जिनकल्पी यानी जिनेन्द्र भगवान साक्षात तीर्थंकर के समान रूप धारण करते हैं, उनको जिनकल्पी कहा जाता है। तो दिगंबर रूप सहज है, इसमें कोई बनावटी बना नहीं है। जिसको यह इसकी साधना कर सके उसी को दिगंबर बनना चाहिए। सबके लिए दिगंबर नहीं बनना चाहिए। यदि दिगंबर बनता है, यदि शक्ति नहीं होने पर भी, यदि योग्यता नहीं होने पर ही दिगंबर बनता है, तो उसके लिए पाप का बंध होता है और जो नरक में जाता है। इसलिए दिगंबर वही बन सकता है जो साधनाशील होता है और सब विकारों से रहित हो जाता है। महाराज जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने कितने वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग कर लिया था, कितने वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी, तो क्या कहें? हाँ, करीबन
22 वर्ष में हम लोग सागर में पढ़ते थे, उसी समय साधना करते थे, विद्यार्थी अवस्था में भी ऐसे ही रहते थे जैसे अभी हैं। कभी कभी बाहर कहीं जाते थे तो थोड़ा सी टावल वगैरह लपेट देते थे, स्कूल में जाते थे तब भी थोड़ा से कपड़े एक धोती गांधी जी जैसी धोती पहन करके अपनी साधना करते थे। अल्प वस्त्र पहनना भी दिगंबरत की ओर जाना है, कम से कम कपड़े होना चाहिए। आजकल कपड़ों की ढेर घरों में लगे हुए हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हों, सबके यहाँ कपड़े की दुकानें खुली हुई हैं। और दिगंबर साधु इसलिए अल्प परिग्रह रखते हैं, उनका पिसी कमंडल ही मुख्यतः अल्प परिग्रह माना जाता है। पूर्ण परिग्रह समाधि के समय पिसी कमंडल को भी छोड़ देते हैं, उससे भी स्नेह छोड़ देते हैं, इसलिए अल्प परिग्रह से सभी को सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। अति संग्रह करने से दूसरे व्यक्तियों को जो लाभ होना है, वस्तुएं प्राप्त होना है, वो प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो अल्प काल से ही लगता है कि पूर्व जन्म के संस्कार से, जब से जैन शास्त्रों का अध्ययन किया था तभी से दिगंबर साधु बनने की भावना थी, और विद्यार्थी अवस्था में भी इसकी साधना करते थे। और पढ़ते पढ़ते जब आहर जी सिद्ध क्षेत्र में गए, वहाँ पर सब साधुओं को पढ़ाते रहे, पढ़ाते पढ़ाते जो है वहाँ पर छुलक दीक्षा हुई सुभन जी में, एलक दीक्षा हुई सोनागर में, मुनि दीक्षा हुई, इस प्रकार से तीनों दीक्षाएं 3 साल के अंदर हो गईं। कौन वो महान संत थे जिन्होंने इतने अच्छे गुरु को नवाजा, और हम आज देख पा रहे कि जो माधव सागर जी महाराज है वो ऐसा तप करते हैं, ऐसा ज्ञान है उनके अंदर कि वो हजारों जैन लोगों को इस तरीके की शक्ति देते हैं ताकि जैन समाज बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा ले, जैन समाज साधुओं से जुड़े। वो तपस्या कैसे करते, कौन है वो महान संत जिन्होंने आपको इस लायक बनाया? वो सबके गुरु विद्यासागर हैं, जो विद्या के सागर हैं, जिनकी तपस्या, जिनका आचरण सभी साधुओं से निराला है, और सभी आचार्यों के भी विशेष आचार्य माने जाते हैं, क्योंकि उनका जो ज्ञान है, उनका जो विचार है, उनका जो सोच है, वो आध्यात्मिक है। वो जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, आत्मा को ही सर्वोपरि मानता है, वो व्यक्ति सर्वोच्च माना जाता है। महाराज जी, अक्सर ये भी देखा जाता है कि जैन साधु अपने हाथ से ही अपने बालों का लोचन करते हैं, जिसको केश लोचन कहा गया है, तो ये केश का लोचन क्यों आवश्यक है, क्यों वो कैंची से बाल नहीं काटते? पहले तो छुलक तक तो कैंची से बालों का कर्तन कर सकते हैं, इसके बाद एलक में मुनि पद की साधना करते हैं और कृष्ण करने का प्रयास करते हैं। कृष्ण करना ये स्वाधीनता का मुख्य साधन है, क्योंकि स्वाधीनता स्वतंत्रता ही अपनी आज़ादी है। जैसे देश स्वतंत्र है तो सभी सुखी रहते हैं, उसी प्रकार से अपनी आत्मा भी यदि स्वतंत्र है, बाल कटवाने में नाई की आवश्यकता पड़ेगी, उसके घर में जाना पड़े, उसके कपड़े भी अपने ऊपर डालना पड़ेंगे, सभी बीमार अनेक प्रकार के रोगियों के वस्त्र को अपने गले में डालना पड़ेगा, ऐसी साधु लोग उसकी सुविधा उसकी पराधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, और उसमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। आजकल ज़्यादा पैसा लगने लगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे साधु, कदा कोई सेवावक दे देगा कभी, वो कभी नहीं दिए तो विकल्प होगा। इसलिए महावीर भगवान ने साधुओं का स्वतंत्र मार्ग बताया है, जिससे कि साधु जो है हर प्रकार से स्वतंत्र है। कृष्ण करने से बुद्धि का विकास भी होता है, सिर के तंतु भी खिल जाते हैं, कोई हानि नहीं होती है, और बुद्धि का विकास होता है, और सिर की खाज वैसी मिट जाती है। एक दोहा लोकों में प्रसिद्ध है, मूण मुड़ाएँ 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाबे खुन लड्डू मिले सब कोई गए महाराज हैं। महाराज जी, जैन समाज के संत ये भी कहते हैं कि जमी कंद का त्याग करिए, पर कई लोग इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। कई लोग कहते हैं कि जमी कंद का त्याग आवश्यक क्यों है? जमी कंद का त्याग, जो त्यागी व्रति हैं, वो तामसिक भोजन होने से, उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं लगने से, उसमें अनंत जीव पाए जाते हैं, स्थावर जीव, जिसको निगोदिया जीव बोलते हैं जैन वेदों के हिसाब से। तो इसलिए उनकी रक्षा के लिए और कामुकता के नाश के लिए गलत चीज़ों का त्याग किया जाता है। आलू वगैरह खाने से जैसे पेट की बीमारी होती हैं, और खुजली वगैरह की बीमारियाँ होती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। आवश्यकता पड़े तो सूखे जो कंद हैं उनका सेवन किया जाता है, और जो ऊपर फटते हैं
गठालू वगैरह उनका सेवन कर सकती हैं। बाकी में यदि इसका त्याग किया जाए तो शरीर स्वस्थ रहता है। सौंठ वगैरह भी इनका प्रयोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, करते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। कोरोना के समय जो लोग मरे हैं वो सौंठ आदि का ज़्यादा सेवन करने से भी उनकी मृत्यु हुई है, गर्मी बढ़ने से। इसलिए गलत चीज़ें हानिकारक होती हैं, औषधि के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है तो अलग बात है, वो बिना औषधि के उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जिसके बिना चल रहा है उस चीज़ का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दाल रोटी जो आदमी के लिए जीवन चलाने के लिए पर्याप्त है, बाकी की चीज़ें जो है अनावश्यक हैं, जैसे मांस है, शराब है, इनके बिना भी जो है जीवन चलता है। इसलिए गलत चीज़ों को खाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हिंदू वेद पुराणों में भी सभी जगह, सारा पुराण में, 18 पुराणों में ही और अनेक स्थानों पर, अनेक संहिताओं में गलत चीज़ों का त्याग बताया है। आलू वगैरह का त्याग बताया है, जो आलू खाता है वो नरक में जाता है, ऐसा मार्कंडेय महर्षि ने कहा है। मार्कंडेय महर्षि ने नरक की चार द्वारों में अनंत काय आलू प्याज वगैरह का सेवन का बताया है। जो नरक में जाता, जो व्यक्ति आलू वगैरह खाता है वो नरक में जाता है, ऐसा मार्कंडेय महर्षि ने लिखा है। उसका एक श्लोक है, नरक द्वाराणि चत्वारि प्रथमं रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम चैव संधानानंत कायकम। संधान ने अचार मुरब्बा और अनंत काय, अनंत काय का मतलब होता है जिसमें अनंत जीव पाए जाते हैं, जैनों का पारिभाषिक शब्द है। वो मार्कंडेय महर्षि जैन ऋषियों से संबंधित थे, उनके पास आकर के धार्मिक आचरण का ज्ञान प्राप्त करते थे, इसलिए उन्होंने अनंत काय शब्द जैनों से लेकर के सभी जनता जनार्दन के हित के लिए त्याग बताया है। अनंत काय आलू प्याज वगैरह जितनी गलत हैं उनको कहा जाता है। महाराज जी, हमने हाल ही में देखा कि आपने एक ऐसा तीर्थ बनाया जिसका नाम वैजयंतगिरी है। मेरा सवाल ये है, आपको कैसे पता चला कि वहाँ पर इतनी सारी प्रतिमाएं हैं? क्या ये वाकई चमत्कार नहीं? चमत्कार तो जहाँ भगवान होते हैं चमत्कार है ही, और जो भक्त होता है तो भगवान को ढूंढ ही लेता है। भगवान कहीं पर भी हों तो भक्ति की नज़र में वो आ जाते हैं, भगवान छिप नहीं सकते हैं। भगवान से भक्त नहीं छिपता है और भक्त से भगवान नहीं छिपते हैं। तो वैजयंतगिरी आपके भैसों के पास में है और एक विशेष तीर्थ है और सिद्ध क्षेत्र है, उसका नाम सह्याचल है। सह्याचल नाम का सिद्ध क्षेत्र जैन वेदों में विशेष रूप से कहा गया है। एक सह्याद्री पर्वत है, वो अलग चीज़ है, और ये विंध्याचल का एक भाग है जो ऐरावत हाथी के आकार का है और विशेष स्थान है। ये पर्वतों की माला के बीच में एक आसन के समान निकला हुआ बहुभाग पृथ्वी भाग है, जिसमें शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ भगवान की मूर्तियां हैं। वहां से 3.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष को प्राप्त हुए, ऐसा जैन वेदों में बताया जाता है। कितनी प्रतिमाएं आपने वहां से निकाली? हम क्या निकाले, कुछ तो निकली हैं, कुछ अपने आप निकलती रहती हैं। जब सफाई होती है तो वहां पर मूर्तियां निकल जाती हैं। वहां की मूर्तियां उज्जैन में, कन्नौज में और इंदौर में, इंदौर का जो छावनी के पास म्यूजियम है वहाँ पर भी, वहाँ की जो जैन सरस्वती मूर्ति है यहाँ पर विराजमान है इंदौर में, और देवास में भी बहुत मूर्तियाँ यहाँ की गई हुई हैं। ऐसे अनेक स्थानों पर जैन मूर्तियों का यहाँ से ले जाने का प्रयास लोगों ने किया है। महाराज जी, क्या ये तब से ही संभव है? क्या ये अपने विचारों से, ये किताबें पढ़ने से ही संभव है? क्योंकि हर आम आदमी भी आज मंदिर जाता है, दर्शन करता है, बुजुर्गों को हम देखते हैं, वो कई तरीके तप करते हैं, फिर आपको ही कैसे पता चल पाता है कि इतने अंदर प्रतिमा है? ये जानना बहुत आवश्यक है लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, आज की युवा पीढ़ी के लिए, कि एक साधु को ये कैसे समझ में आता है कि इतने नीचे। क्योंकि जब हम वैजयंतगिरी पहुंचे थे, मैंने भी देखा था, कई बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को आपने निकाला, तो सवाल फिर यही है कि इतने नीचे प्रतिमा है, ये क्या किताब पढ़ने से ही पता चलता है या कोई अंतर ज्ञान भी होता है? जैन इतिहास है, पूरे ब्रह्मांड में जैन मूर्तियां ही थीं, देश विदेशों में सर्वत्र गिरिनगर पहाड़ों पर हजारों मूर्तियां थीं। इस प्रकार का जैन भूगोल, भौगोलिक इतिहास जो है जैन वेदों में लिखा हुआ है। हजारों मूर्ति जैन राम भगवान ने बनवाई थी। रामेण जगदिंदुना असंख्य जिनवेश मानी निर्मापितानी। राम भगवान ने असंख्यात जैन मूर्तियाँ पूरे पहाड़ों पर, जहाँ उनका विहार होता था वनवास काल में,
और अनेक राज्य व्यवस्था में अनेक जैन मंदिर मूर्तियाँ मत बनवाई थी। रामगिरी पर भी उन्होंने असंख्यात जैन मंदिर बनवाए थे। उन्हीं के अनुयायी पांडव आए तो राम के द्वारा बनवाए हुए जो मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार कराया, ऐसा जैन वेदों में उपलब्ध होता है। तो सर्वत्र जब जैन मूर्तियाँ थी तो हम लोगों को ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपने आप जान जाते कि जैन एक पत्थर ही मिलता है तो जैन मूर्ति जैन मंदिर होंगे। जितने भी अभी विश्व में विश्व के धर्मों में जैन मंदिर हैं वो सब पहले सब जैन मंदिर थे, चाहे बुद्धों के हों चाहे किसी के भी हों किसी जाति के हों, हजारों जैन मंदिर थे सर्वत्र। चूंकि आप तो इतने लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं, कई सालों से हम आपको लगातार इस तपस्या में देख रहे हैं, क्या लगता है जैन समाज के जिस तरीके के विचार आज हो रहे हैं, जिस तरीके से समाज दो भागों में बढ़ चुका है, एक दिगंबर की बात करता है, एक श्वेतांबर की बात करता है, कहीं 13 पंथी की बात होती है, कहीं 16 पंथी की, महाराज जी जैन समाज को एकता के रूप में कैसे रहना चाहिए और क्या संदेश देंगे? भगवान ऋषभदेव महावीर की दृष्टि में मानवीय धर्म माना जाता है, विश्व धर्म माना जाता है। विश्व धर्म में जैन धर्म में किसी प्रकार का जाति भेद नहीं होता है, धर्म भेद भी नहीं होता है, चाहे श्वेतांबर हों चाहे दिगंबर हों चाहे 20 पंथी हों चाहे 13 पंथी हों, सब मानव हैं, उनको सबको मिलकर के मानवीय उन्नति करना चाहिए। यहाँ तो ठीक है जैनों की बात छोड़ो, हिंदू भी जो हैं वो पहले सब विश्व में असंख्यात अभी भी अनेक रूप में अनेक बहुत भारी संख्या में अभी जो है जैन से हिंदू बने हुए हैं। हिंदू कोई शब्द नहीं था, मुसलमानों के द्वारा दिया गया शब्द था। हिंदुस्तान भी इस देश का नाम नहीं है और इंडिया भी नहीं है, भारत है। हिंदू वैदिक धर्म सबसे प्राचीन है, उसका पहले प्राचीन है भगवा धर्म है, सबसे प्राचीन माना जाता है, जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के पुत्र मरीचि के द्वारा चलाया गया था। वो जैन धर्म का ये अंश था और उसमें ज़्यादा अहिंसा धर्म था। धीरे धीरे वैदिकों में हिंसा आने से धर्म बदल गया। वैदिक के बाद फिर जो है वैष्णव धर्म आया, वैष्णव धर्म के बाद शैव धर्म आया, शैव धर्म के बाद फिर अब उसको हिंदू बोलने लगे। हिंदू धर्म कोई नहीं है, बहुत सारे धर्मों का जैन धर्म के जो अंश थे बहुत सारे, पतंजलि ऋषि वगैरह ये सब जैन धर्म से समर्थित थे, उनके द्वारा जो है उनका संग्रह। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात लगातार प्रधानमंत्री भी अपने मंचों से कहते हैं, राजनीतिक गलियारों में भी लगातार ये बातें होती है कि देश भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, कई बाबा भी ये बात कहते हैं। सवाल ये है जैन हिंदू का हिस्सा है या जैन के, क्योंकि जैन के विचार अलग है, जैन के भगवान अलग है, जैन के रीति रिवाज अलग है, तो जैन और हिंदू में कितना अंतर है, क्या जैन हिंदू ही है? जैन हिंदू तो है ही है, जैन हिंदू भी हैं और जैन भी हैं, दोहरे हैं, क्योंकि हिंसा से दूर रहते इसलिए हिंदू हैं, हिंसा से दूर सबको रखने का समाधान बताते हैं, मार्ग बताते हैं, इसलिए वो हिंदू भी हैं। और सिंधु से हिंदू बना है, तो जैनों की संस्कृति सब सिंधु में थी। महावीर भगवान के जो नाना थे वो चेचक थे, उनके पुत्र 10 थे, पुत्रियाँ 6 थीं, उनके दामाद वगैरह सब जी थे, सब जैन राजा थे बड़े बड़े, हर जगह के राजा पूरे भारत में फैले हुए थे। उनके जो शादियाँ हुई थी पुत्रों की, 10 पुत्र थे, 12 पुत्र, उनकी शादियाँ भी हुई थी, तो वो सब जैन साम्राज्य था पूरे विश्व में महावीर भगवान के समय पर। इसलिए जो है वो सब सिंधुस्तान से हिंदुस्तान बना है, सिंधु को हिंदू बोलते थे लोग, इसलिए अपन हिंदू तो है ही हैं, मगर इसलिए इसको हिंदू नहीं बोलना चाहिए, नाम बाद का नाम है, इसको हिंदू देश नहीं बनाना चाहिए, ये भारतीय देश होना चाहिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय धर्म, उसको भारत ही रहने देना चाहिए। हिंदू शब्द मुसलमानों द्वारा दिया गया है, यदि हिंदू लोग उसको अपनाते तो अच्छा नहीं है, उनका धर्म भी जो है जो सनातन कहते वो सही है थोड़ा, वैसे सनातन धर्म जैन धर्म को ही कहा जाता है, क्योंकि हजारों लाखों जैनी सब हिंदू धर्म में चले गए, इसी उनको भी सनातन कहा जाने लगा। महाराज जी आज का युवा
भगवान से जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास तो करता है, पर चूंकि वो चमत्कारों में ज्यादा यकीन करता है, क्योंकि हम कई जगह मंचों पर देखते हैं कई बाबा यहाँ पर आते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास कई चमत्कार है वो तपस्या से आया है। चूंकि जैन संत चमत्कार कम दिखाते हैं, शायद इसीलिए संतों पर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपनी ही तपस्या में लीन है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का रास्ता भी वो इसी तरीके से चुनते हैं। पर कैसे आज का युवा उस धर्म से जुड़े, कैसे आज का युवा मंदिर जाने लगे, कैसे आज का युवा भगवान से जुड़े, इसके लिए आप आज के युवाओं को, क्योंकि आज का युवा महाराज जी ज्यादातर नशे में विलीन हो चुका है। हम जहां बैठे हैं इंदौर शहर में लगातार 13 वर्ष से लगा के 27 वर्ष तक के 25% युवा, 25% लोग ऐसे हैं जो लगातार नशे में कंटिन्यू रहते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन वो नशे से करीब पहुंच रहे हैं पर वो भगवान के करीब नहीं पहुंच पा रहे। तो इसका आप क्या कारण मानते हैं और आज युवाओं को क्या संदेश देंगे? जो धार्मिक माहौल है उनमें थोड़ा सा बिगाड़ आया है, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे कोई धर्म हो, सभी धर्मों में ढोंग धतूरे बाहरी चमत्कार, झूठे चमत्कार ज़्यादा बताए जाते हैं। तो झूठे चमत्कारों की वजह से युवा जो है वो पीछे हटते जा रहे हैं। उनको यदि वैज्ञानिक रूप से उनका खान पीन बताया जाए, उनको विशेष महावीर भगवान का ज्ञान विज्ञान बताया जाए तो वो आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि धर्म जो है सही होता है तो उसको सभी स्वीकार करते हैं। हम लोग भी जब भगवान महावीर के सही धर्म को जान पाए तो मुनि अवस्था की ओर अग्रसर बढ़े। इसलिए आजकल के युवाओं को सत्य धर्म का सही संदेश देने का काम करना चाहिए। धर्म की जो ढकोसले हैं, ढोंग हैं, रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, कुरीतियाँ हैं, इसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से माधव सागर जी महाराज लगातार ये बात बता रहे थे। एक बड़ी बात महाराज जी ने कही कि जो लोग मंचों से कहते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो बड़ी बात महाराज जी ने कही कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, ये भारत ही रहे तो ठीक है। अलग अलग प्रजाति के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के पालन करने वाले लोग रहते हैं। एक बड़ी बात महाराज जी ने यह भी कही कि अगर मोक्ष मार्ग का रास्ता आपको तय करना है, प्रभु से मिलन करना है, तो भक्ति भाव से ही आप तक पहुंच सकते हैं। भक्त से भगवान मिलने कहीं भी पहुंच जाता है, उसको उसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भक्ति में लीन है वो भगवान तक तो पहुंच ही जाता है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।